टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। कैसे जो वेस्ट है, कूड़ा है, वो कैसे हम उसको हटाते हैं और कौन कौन से तरीके हैं, तो हम इसको जानेंगे। फर्स्ट सेग्रेशन ऑफ वेस्ट। हम क्या करेंगे, वेस्ट को इकट्ठा करेंगे। सेग्रेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ वेस्ट इंटू ड्राई एंड वेट, यानी जो वेस्ट है ड्राई भी होते हैं, यानी कुछ गीले कूड़े भी होते हैं, कुछ सूखे कूड़े भी होते हैं, सो दैट इट इज़ ईजियर टू हैंडल इट लेटर। और सबसे पहले हम इनको अलग अलग करेंगे, जो कूड़ा गीला है और जो कूड़ा सूखा है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ वेस्ट डिस्पोजल इज़ टू सेग्रेट द वेस्ट इंटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं, हम इसलिए अलग करते हैं कि जो ख़त्म हो जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं और जो डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए हम वेस्ट को अलग अलग करते हैं। सेग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट रिक्वायर डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्पोजल। और सेग्रेशन हम इसलिए करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वेस्ट जो है वो डिकम्पोज का उसका मेथड अलग अलग है। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी समय के बाद वो डिस्पोज होते हैं, यानी ख़त्म होते हैं। इन सम सिटीज़ म्यूनसिपलिटीज़ प्रोवाइड्स टू डिफरेंट कलर डस्टबिन। और कुछ शहरों में है ना, कुछ शहरों में नगर पालिका क्या करती है, दो तरह के कूड़े के डब्बे प्रोवाइड करती है। एक होता है ग्रीन, जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और एक ब्लू होता है, इसको बोलते हैं रिसाइकल वेस्ट। यानी ब्लू वाले डब्बे को इसको रिसाइकल वेस्ट बोलते हैं और ग्रीन वाले डब्बे को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट कलेक्टेड इन ग्रीन, जो वेस्ट जो ग्रीन डब्बे के अंदर है ना, डायरेक्टली सेंड टू डिस्पोज। डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, कूड़ेदान इसको भेज देते हैं। किस चीज़ के लिए, डिस्पोज होने के लिए, है ना। और आगे हम जानेंगे। सेकंड, लैंडफिलिंग क्या होता है, जहाँ पे हम कूड़े को डालते हैं। द वेस्ट फ्रॉम द विंड्स इज टेकन टू नियर बाय लो लाइंग एरिया आर कॉल्ड लैंडफिल। यानी जहाँ पे कूड़े को हमारे नगर पालिका की गाड़ी लेके जाती है और जहाँ पे कूड़ा डालते हैं उसको हम लैंडफिलिंग बोलते हैं। विच इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, और वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पॉपुलेशन का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, यानी कम होता है, वहाँ होता ही नहीं है मान, यानी हम ये भी कह सकते हैं। द गार्बेज इज स्प्रेड ओवर एंटायर सिटी एंटायर एरिया ऑफ लैंडफिल, और गार्बेज क्या होता है हमारे चारों ओर फैला रहता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, इस कूड़े को इकट्ठा करके हम एक जगह उसको दे आते हैं। आफ्टर स्प्रेडिंग इट इज़ कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल और गुड अर्थ एंड इज लेबल्ड। आपने देखा होगा जहाँ पे कूड़ा होता है उसको कुछ समय के बाद बार बार वहाँ पे कूड़ा डालने के बाद क्या होता है, हम वहाँ की जो सॉइल है वो कवर्ड हो जाती है किस चीज़ से, कूड़े से। और फिर हम उसको क्या करते हैं, द होल एरिया इज देन कवर्ड इन टू अ पार्क। फिर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उस लैंडफिलिंग एरिया को, हम कोशिश करते हैं कि पार्क हम वहाँ पे बना लेते हैं या फिर उसको प्लेग्राउंड का एक फॉर्म हम उसको रेडी कर देते हैं, है ना। लैंडफिलिंग करने से ये फ़ायदा है कि आपका कूड़ा भी वेस्ट जो है वो आपने उसको सही से उसका यूज़ कर लिया और वो सही से हमने एक बढ़िया सा जो पार्क है और प्लेग्राउंड है हमने लैंडफिलिंग के माध्यम से हमने उसको बना दिया। कौन से एरिया को, जहाँ पे हम कूड़ा डाल रहे हैं, यानी लैंडफिलिंग एरिया को। आगे जानेंगे कंपोजिटिंग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक फूड रिमेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, फॉलन लीव्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, फार्म रेसिड्यू एक्सेट्रा कैन बी डिकम्पोज बाय कंपोजिटिंग। और आपको बता दें, कंपोजिटिंग हम उसको बोलते हैं, यानी ऐसा वेस्ट जो क्या है, जो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे हमें फ्रूट से जो मिलता है, जैसे पील्स है ना, वेजिटेबल्स पील्स है, पत्ते जो झड़ जाते हैं पेड़ों से, एनिमल एक्सक्रीटा है जो हमारे घर से निकलते हैं, और भी जो बहुत सारे वेस्ट हैं जो हमारे घर से निकलते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं कंपोजिटिंग। दिस वेस्ट कंटेन अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सब के अंदर अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिसाइकल्ड बैक टू द सॉइल, और ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड को अ पिट इन डग एंड क्या करते हैं, हम गड्ढा करके हम इन सारे वेस्ट को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिससे कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसको हम कहते हैं। इट इज़ देन कवर्ड विद सॉइल, और ये कुछ समय के बाद क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं।
इट इज़ देन कवर्ड विद सॉइल। और ये सारे वेस्ट क्या होते हैं, ये कवर हो जाते हैं सॉइल से। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल, और उस सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं किसकी वजह से, वेस्ट की वजह से, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, सॉइल को। दिस मैथड इज़ क्लीन, है ना, ये मैथड क्या करता है, हमारे वेस्ट को, हमारे इन्वायरमेंट को साफ करता है, चीप एंड सेफ, और ये बहुत ही सस्ता भी है और सेफ भी है। इट कंसिडरेबली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, और इससे हमारा जो गार्बेज है हमारे घर का वो डिकम्पोज होता है। और आगे हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ द कंपोजिटिंग, क्या क्या एडवांटेज है जब हम इसको वेस्ट को कंपोस्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट, कंपोस्ट इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल की से फर्टिलिटी बढ़ती है। सेकंड, इट इज़ यूज इन ऑर्गेनिक मेन्योर टू इनरिच द सॉइल, और सॉइल की जो कैपेसिटी, ऑर्गेनिक मेन्योर हम इसको बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, उर्वरक शक्ति जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर हिंदी में, जो सॉइल की अच्छी खासी हो जाती है। थर्ड, कंपोस्ट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है जब कोई भी वेस्ट जब डिकम्पोज हो जाता है सॉइल के अंदर। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो टेक्सचर है ना, सतह, वो भी इम्प्रूव हो जाता है किसकी वजह से, जब वेस्ट डिकम्पोज होता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। वर्मी कंपोस्ट, कंपोजिटिंग कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट उसको बोलते हैं जो रेड वॉर्म्स है, वो क्या होते हैं, कंपोस्ट हो जाते हैं किसके हेल्प से, यानी कंपोस्ट होता है जो भी कूड़ा है वो डिकम्पोज हो जाता है किसके हेल्प से, रेड वॉर्म्स के हेल्प से, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। सच टाइप ऑफ कंपोजिटिंग इज कॉल्ड वर्मी कंपोजिटिंग, इट इज़ डन टू स्पीड अ प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग। ये बहुत ही तेज़ी से ये कंपोस्ट होता है सारा ये वेस्ट, इन अ वर्मी कंपोजिटिंग पिट वॉर्म आर फीड विथ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दे कन्वर्ट दैम इन टू मेन्योर विथ 3 to 4 weeks। और जो भी हम वेस्ट अगर हम क्या करते हैं, गड्ढे में डालते हैं, गड्ढा खोद के हम उसको डालते हैं, तो उसके अंदर वॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो जो वॉर्म्स है उसको जमीन को और सॉइल को वो क्या करते हैं, जो उसका जो टेक्सचर है उसको बहुत ही अच्छा कर देते हैं, और जो मेन्योर है बहुत ही जल्दी खाद हम बोल सकते हैं वो रेडी कर देता है ना, प्राकृतिक हम उसको बोल सकते हैं, प्राकृतिक खाद हम उसको बोल सकते हैं, जो कि 3 to 4 weeks में रेडी हो जाता है। द मेन्योर इज़ एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और जो मेन्योर है ये बहुत ही अच्छा है किस चीज़ के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।